उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। मैं हूँ आपकी शेफ नीलम बुखारी। तो आज जो मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही स्पेशल मजेदार तंदूरी कीमा है, और जब आप लोग अपने घर में उसे ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा और आप लोग मुझे इसका फीडबैक जरूर दिएगा। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ, अपने किचन की तरफ। जी व्यूअर्स, तो ये हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो मैं बताऊं आपको, ये हमने कीमा लिया है आधा किलो बीफ का, हमें चाहिए 1 कप ऑयल, हमें चाहिए 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज, हमें चाहिए 2 अदद स्लाइस में कटे हुए टमाटर, हमें चाहिए 5 से 6 हरी मिर्चें, हमें चाहिए अदरक लहसुन कुटा हुआ, हमें चाहिए पिसी हुई लाल मिर्च, हमें चाहिए धनिया पाउडर, हमें इसके लिए चाहिए हल्दी पाउडर, हमें इसके लिए चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च, हमें इसके लिए चाहिए नमक, और ये मेरे मसाले हैं थोड़े से, ये मैं आपको बता दूँ। हमें इसके लिए चाहिए साबुत गर्म मसाला जिसमें मैंने सब कुछ ऐड किया हुआ है, हमें इसके लिए चाहिए पिसा हुआ ज़ीरा, हमें इसके लिए चाहिए दक्कनी लाल मिर्च पिसी हुई, हमें इसके लिए चाहिए पिसा हुआ गरम मसाला। तो जी व्यूअर्स, ये मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलें हम लोग अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम पैन में प्याज ऐड करेंगे। जी, तो ये अब हमारी प्याज कुक हो रही है, हम इसी के दौरान इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, साबुत गरम मसाला। हमने गरम मसाले भी साथ ही ऐड कर दिया प्याज के। जी व्यूअर्स, तो ये हमारी प्याज कुक हो रही है, अब हमें इतना इसको पकाना है कि ये लाइट सी गोल्डन हो जाए, फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये हमारी प्याज हो रही है, अब इतने में हम कोयला रख देते हैं चूल्हे पे, तब तक ये हमारा कोयला हो जाएगा, इतने में हमारा कीमा रेडी हो जाएगा। जी, तो ये हमारी प्याज लाइट गोल्डन हो गई है, अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। तो भूनने से इसका कलर भी चेंज होगा और इसमें जो कीमे की स्मेल भी होती है वो भी दूर होती है। जी देखें, ये हमारा कीमा हो रहा है, अब हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन हम थोड़ा सा और भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए कि ये अच्छे से पक जाए। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये मेरे कीमे का कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड करूँगी कुटा हुआ। खूब अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करेंगे, जब तक हम इसकी बुनाई नहीं करेंगे कीमे में टेस्ट नहीं आएगा। तो हमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से और खूब अच्छे तरीके से हमें इसकी भुनाई करनी है। जी व्यूअर्स, तो ये हमारा कीमा और इसमें अदरक लहसुन डाला था ये भुन गया है, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, हम इसमें ऐड करेंगे ये ज़ीरा पाउडर, हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, हम इसमें ऐड करेंगे दक्कनी लाल मिर्च का पाउडर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे हसब ज़रूरत नमक, जो भी आपके अपने टेस्ट के हिसाब से, आप लोग जितना आपका टेस्ट हो उतना आप लोग नमक ऐड कर दें इसमें। और अब इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, और थोड़ा सा टमाटर के साथ भी हम इसको भूनेंगे। टमाटर के साथ भी हमने इसे भून लिया है, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो कीमा है वो गल जाए। तकरीबन हम 1.5 गिलास के करीब इसमें, 1 से 1.5 गिलास के करीब हम इसमें पानी ऐड कर दें, और हम इसको ढककर मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, जब तक हमारा कीमा गल जाएगा, उसके बाद हम इसकी खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। जी, अब हम इसको ढक देते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये हमारा कीमा ऑलमोस्ट भुनाई पर है, तो अब हम इस वक्त इसमें अपनी हरी मिर्चें ऐड करेंगे, और हरी मिर्चों को हम पहले थोड़ा सा
किसी भी चीज़ से, बेलन से या इस भट्टे से हम इसको थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे इसमें, क्योंकि इसमें फ्लेवर ऐड होगा, इसमें हरी मिर्चों का ज़बरदस्त का। जितनी आप अच्छी तरीके से कीमे की भुनाई करेंगे, देखिए कीमे की एक तो स्मेल दूर होगी और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होगा, क्योंकि देखिए कीमे में भुनाई का ही सारा काम है। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये हमारा कीमा भुन चुका है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अब हम इसमें धीमी देंगे, हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे, इसका बिल्कुल लो फ्लेम, इतना के दम पे, जैसे दम पे रखते हैं। अब हम एक स्पून रखेंगे इसके अंदर और इसमें हम रख देंगे कोयला, ये जो हमने यहाँ कोयला रखा था वो उठा के हम इस पर रख देंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसको ढक देंगे, अच्छी सी इसमें स्टीम हो जाए और ये हमारा मज़ेदार सा कीमा रेडी हो जाएगा। जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमारा धुएंदार और मज़ेदार सा कीमा, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये अब हम अपना कीमा डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, तो अब हम इसकी करेंगे थोड़ी सी गार्निशिंग। तो ये है हमारे मज़ेदार सा कीमा, तो ये है हमारा मज़ेदार तंदूरी कीमा और ये गरम गरम नान, तो दोनों जब साथ में हो तो क्या ही बात है। तो आप लोग घर पे ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा, बताइएगा कि तो कैसा लगा आपको मेरा मज़ेदार तंदूरी कीमा। आप लोग मुझे मैसेज पे और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कीमे की रेसिपी कैसी लगी, मज़ेदार तंदूरी कोयले कीमे की रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।